साहस सरोकार। भूपेंद्र सिंह को यूपी बीजेपी की कमान। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर है ये, भूपेंद्र सिंह बने यूपी बीजेपी अध्यक्ष। जाट समुदाय के जाने माने नेता हैं भूपेंद्र सिंह। प्रदेश से बड़ी खबर है ये, जेपी नड्डा से कल हुई थी दिल्ली में मुलाकात। यूपी सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनप्रिय नेताओं में से शामिल हैं ये। प्रदेश से ये बड़ी खबर है, कई सारे नामों का कयास लगाया जा रहा था बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष के लिए, लेकिन भूपेंद्र सिंह इस बाजी को मार ले गए हैं। वो नए प्रदेश अध्यक्ष यूपी के बने हैं। 2024 को लेकर ये एक प्लान के तहत भूपेंद्र सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जेपी नड्डा से ये दिल्ली में मुलाकात किए थे अपनी। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जी मौजूद है। गौरव, भूपेंद्र सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है प्रदेश की, प्रदेश अध्यक्ष, नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए बीजेपी के, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, ये तो होना ही था, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होना बहुत आवश्यक हो गया था, क्योंकि स्वतंत्र सिंह जो जल शक्ति मंत्री बनाया गया था, उसके कार्यकाल में बनाया गया था, उसके बाद स्वतंत्र सिंह ने अभी हाल में ही इस्तीफा दे दिया था। और पार्टी में एक व्यवस्था है कि एक जो भी इंसान रहेगा, जो भी नेता रहेगा, वो एक ही पद पर रहेगा। स्वतंत्र सिंह दोनों जिम्मेदारी संभाल रहे थे, जल शक्ति मंत्री भी थे और साथ ही साथ उनको प्रदेश अध्यक्ष का पद भी मिला हुआ था। तो उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो उसके बाद तमाम तरह की कवायद चल रही थी, जब तमाम बड़े नाम शामिल थे, क्योंकि अगर राजनीति की बात करें तो 2009, 2004, 2009 और 2014 यहाँ पर बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष है वो ब्राह्मण समुदाय से रहे हैं। उसके बाद महेंद्र पांडे, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र सिंह, तो तीन प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर रहे और सबका अपना अपना कार्यकाल बहुत बेहतर रहा। अगर 2014 की बात करें तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य आए, उसके बाद महेंद्र पांडे आए और उसके बाद स्वतंत्र सिंह जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे थे। पर चूँकि प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना बहुत आवश्यक था और हाल में ही 2024 के चुनाव भी है, उसको देखते हुए यहाँ पर भूपेंद्र चौधरी के नाम पर मुहर लगी, जो कि बहुत बेहतर विकल्प बीजेपी के सामने था, जिस पर बीजेपी ने मुहर लगाई है। अगर बात करें भूपेंद्र चौधरी की, तो अच्छे नेताओं में एक है और पश्चिम से जाट समुदाय से आते हैं। आपको बता दूं कि जब अभी हाल में 22 का चुनाव हुआ था विधानसभा चुनाव में, और पश्चिम में कुछ सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था, इसके चलते बीजेपी द्वारा यहाँ पर बड़ा फेरबदल करते हुए और बड़ा फैसला लेते हुए भूपेंद्र चौधरी को यहाँ पर, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल में पंचायती राज मंत्री थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया गया है। गौरव, पश्चिमी यूपी के एक बड़े नेता हैं भूपेंद्र चौधरी, तो क्या जाट समुदाय के बड़े संगठन को साधने के लिए इन्होंने, बीजेपी ने इस पे दाव खेला है? जी बिल्कुल मनीष, मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह से पश्चिम यूपी में किसान आंदोलन के तहत तमाम तरह का नुकसान वहाँ पर हुआ था, रालोद को वहाँ खास सीटें मिली थी जो कि समाजवादी पार्टी की सहयोगी दल है, तो यहाँ पर देखा जा रहा था कि भूपेंद्र चौधरी ने वहाँ पर जब किसान आंदोलन हुआ था, लखीमपुर का टिकुनिया कांड हुआ था, उस समय भी उन्होंने जाट समुदाय को साधने का बहुत प्रयास किया था और निश्चित रूप से ये उन्हीं की मेहनत थी जिसके चलते उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था बीजेपी को जितना बीजेपी मान के चल रही थी। निश्चित रूप से उनका जो काम बेहतर था, और आपको बता दूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट समुदाय की लगभग 1.5 दर्जन ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहाँ पर जाट समुदाय का खासा प्रभाव है, और समुदाय में खासा प्रभाव के चलते यहाँ पर भूपेंद्र चौधरी को जिम्मेदारी बहुत अहम मानी जा रही थी, क्योंकि आपको वहाँ पर जाति समीकरण भी साधना है और साथ ही साथ सामुदायिक समीकरण भी साधना है, क्योंकि अगर चुनाव आपको 24 का जीतना है तो जाति समीकरण के साथ जो दलित समीकरण वो भी साधना है, और यहाँ पर जिस तरह से जाटों के जनप्रिय नेता माने जाते हैं और पश्चिमी यूपी में उनकी खासी पकड़ भी है, इसके चलते उनको प्रतिनिधि बनाया गया है। गौरव, 2024 को लेकर भूपेंद्र सिंह कितने मजबूत साबित होने वाले हैं बीजेपी के लिए? देखिए बिल्कुल, भूपेंद्र चौधरी यहाँ पर मजबूत साबित होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर जो चुनाव है, जहाँ पर पश्चिम में बीजेपी को 2022 चुनाव में थोड़ा नुकसान हुआ था, वहाँ पर डैमेज कंट्रोल भी करेंगे, साथ ही साथ बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं, और एक सीधा सीधा संदेश जो है, निष्पक्ष सभी के नेता है, विधायक नेता है, पहले कार्यकाल में भी पंचायती राज मंत्री रहे हैं, इस कार्यकाल में उनको वही जिम्मेदारी दी गई थी, अच्छे नेताओं में एक है, और जो अनुभव है वो अनुभव बताता है कि आने वाले समय में बीजेपी को बहुत लाभ मिलने वाला है भूपेंद्र चौधरी के बनने के बाद। गौरव, 2004, 2014, 2019 में भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी भूपेंद्र सिंह को, तो इसी को देख के मुझे लगता है कि बीजेपी ने एक बड़ी मजबूत कैंडिडेट समझ के भूपेंद्र सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है 2024 के लिए।
देखिए तमाम तरह की कवायद जी मनीष, मतलब तमाम तरह की कवायद चल रही थी। जो मैं आपको बताऊँ, केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी चल रहा था, श्रीकांत शर्मा जो कि जो पूर्व ऊर्जा मंत्री रहे उनका नाम भी चल रहा था, सुब्रत पाठक का जो कन्नौज से सांसद है उनका नाम भी चल रहा था। इसके अलावा अगर दलित वर्ग की बात करें तो रामशंकर कठेरिया का नाम चल रहा था, इसके अलावा विद्यासागर सोनकर का भी नाम चल रहा था। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह थी कि जो जाति समीकरण है उसको भी साधना है, क्योंकि अगर आप करूँ कि अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें, जाति के समीकरण की बात करें, तो दलीय जो वर्ग है वो सबसे दलित वर्ग सबसे ज़्यादा है, और दलित वर्ग को साधने का प्रयास के माध्यम से सोचा जाता है रामसिंह कठेरिया या केशव प्रसाद मौर्य या स्वतंत्र सिंह विद्यासागर सोनकर के नाम पर मुहर लगेगी। अगर ब्राह्मण वर्ग के किसी को बनाते थे तो श्रीकांत शर्मा, पूर्व यानी डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, सुब्रत पाठक, इनकी नाम की चर्चा चल रही थी। पर यहाँ पर भूपेंद्र चौधरी को यहाँ पर जिम्मेदारी देकर ये बात स्पष्ट की गई है कि आने वाला जो चुनाव है 24 चुनाव बहुत अहम भी है, और बीजेपी की एक शुरू से पटकथा रही है कि चुनाव की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से और संगठन स्तर पर करती है। भूपेंद्र चौधरी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासा प्रभाव है, और साथ ही साथ उनका एक मानना ये भी है कि अनुभव बेहतर है और अब तक जो उनका काम कर रहा है वो बहुत बेहतर रहा है। गौरव, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र सिंह बने यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। भूपेंद्र सिंह को यूपी बीजेपी की कमान सौंप दी गई है। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।